वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज प्री नर्सरी के लिए नए सेशन का यानी कि 2024 का जो ये पार्ट है, सेकंड पार्ट हम लेकर आ चुके हैं। अब देखो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बच्चों को हमें प्रैक्टिस करवाना है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर लाइन से आप स्टार्टिंग से बच्चों को नहीं करवाएंगे, यहाँ बीच से आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले है कंप्लीट द अल्फाबेट सीरीज। यहाँ देखो, हमें इस तरीके से बच्चों को सीरीज दे देनी है, बच्चा इसमें कंप्लीट करेगा, क्योंकि इससे पहले पार्ट में हमने लिखना सीखा है, किस तरीके से बच्चों को लिखना स्टार्ट करवाना है प्री नर्सरी के लिए। नेक्स्ट बच्चा अब इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको नर्सरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो कहीं एडमिशन लेना चाहता है किसी अच्छे स्कूल में, तब भी बच्चा बहुत अच्छे से उस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। ई एफ बच्चा यहाँ पे लिख लेगा, ई एफ जी, देन हमने एच दे दिया है, बीच बीच में इस तरीके से लेटर दे देने हैं, जी एच आई जे, यहाँ के एल एम, फिर है एन ओ, अब यहाँ पे पी क्यू, अब यहाँ लिख लेंगे आर एस, यहाँ टी यू वी, इस तरीके से आप लेटर्स दे देंगे और बीच बीच में जो है गैप छोड़ देंगे बच्चों को यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। और अगर बच्चा अभी लिखना नहीं सीखा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट दे सकते हैं, तो डॉट डॉट में भी बच्चा फिल कर लेगा। उसके बाद देखो, रीड द वर्ड एंड सर्कल देयर करेक्ट फर्स्ट लेटर। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए हैं, इन वर्ड्स को पढ़ना है, बॉल, लायन, पोटैटो, ब्लैक, काइट, तो और यहाँ पे क्या दे दिया है हमने, इनके फर्स्ट लेटर को हमें सर्कल करना है। तो बच्चा फर्स्ट लेटर आप जैसे ही उसको एक बता दोगे ना किस तरह से करना है, तो वो इजीली सारे कर लेगा। वैसे तो वो फर्स्ट को देख देख के यहाँ पे ढूंढ के कर लेगा, लेकिन हमें रीड करके करवाना है बच्चों को। बच्चों को ये वर्कशीट आप दे के आप अपने वर्क में बिजी हो जाओ, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे फिर ना अपने दूसरे तरीके, शॉर्ट तरीके ढूंढने लगते हैं। आपको बच्चों को टाइम देना है। हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे बॉल। बॉल में देखो, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो बच्चे यहाँ पे तब उसके बाद समझेंगे कि बी फॉर बॉल, उसके बाद इसे सर्कल करेंगे। यहाँ पे है देखो लायन। लायन में देखो एल फॉर लायन होता है, तो एल हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। पोटैटो, पी फॉर पोटैटो, यहाँ पे हम इसको सर्कल कर देंगे। बी फॉर ब्लैक, बी एल ए सी के, बी फॉर ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक कहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ पे हम इसको बी को सर्कल कर देंगे। देन देखो काइट, काइट देखो यहाँ पे के कहाँ पर है, ये रहा के, हम इसको सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चे बहुत इजी तरीके से इन वर्ड लेटर्स को सीख जाएंगे कि फर्स्ट लेटर कौन सा है इस वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द सेम लेटर्स। अब यहाँ पर देखो मैंने क्लाउड बना दिया है, एक बिग क्लाउड के अंदर छोटे छोटे स्मॉल क्लाउड्स है, उसके अंदर मैंने लेटर्स लिख दिए हैं, दो एक जैसे लेटर हैं। बच्चों को अब लेटर पहचानने अच्छे से आ जाते हैं, तो बच्चे ना बहुत इजीली इन क्वेश्चन को कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है, तो बच्चे अच्छे से मैच कर लेगा पी को पी से, और इससे उनको लेटर्स की बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी। यहाँ पे देखो बी से बी है, मैच कर सकते हैं, एच से एच को इस तरह से मैच कर देंगे, के से के को ऐसे मैच करेंगे, ए से फिर ए को, देन सी से सी को, तो इस तरीके से लेटर्स को मैच कर देना है। बहुत ही फन वे से बच्चों को सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। इस तरह से भी हम बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मैच द सेम कलर। अब यहाँ पे हमें कलर मैच करना है, आप कुछ भी तरीका दे सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे डॉट्स में यहाँ पे सर्कल के अंदर कलर दे दिए हैं, और उसके बाद इन लेटर्स को कलर में लिखा है, जिससे बच्चों को कलर मैच करने के लिए इन लेटर्स को रीड भी करना आ जाएगा और वो कलर भी पहचान जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर में कौन सा कलर मैच कर रहा है, एफ सॉरी ई, ई मैच कर रहा है देखो, तो हम इस ऑरेंज से ई को मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखो पर्पल है, पर्पल से कौन सा कलर मैच कर रहा है, सी, इससे बच्चे लेटर्स भी पढ़ेंगे, उनको पहचान भी हो जाएगी और कलर्स की पहचान भी हो जाएगी। अब ब्लैक कलर में कौन सा लेटर लिखा हुआ है, बी। नेक्स्ट देखो ग्रीन कलर से कौन सा लिखा हुआ है, डी। रेड कलर से एफ, और स्काई ब्लू से ए। इस तरीके से बच्चों को कलर्स का हम क्वेश्चन एक दे सकते हैं, जिससे बच्चे लेटर और कलर दोनों सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इस तरीके से मैंने पिक्चर्स दे दिए हैं। बच्चों को पिक्चर वाले क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है, उनको पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सी द पिक्चर एंड राइट देयर फर्स्ट लेटर। स्मॉल लेटर्स में लिखना है, क्योंकि पहले हमने कैपिटल लेटर्स भी सिखा दिए इसमें बच्चों को, क्योंकि स्मॉल लेटर अभी लिखना नहीं सिखा, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके दे दिया है।
तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर्स को देखेंगे और उनका फर्स्ट लेटर यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो देखो पहला पिक्चर यहाँ पे किस चीज़ का है, यहाँ पे एक डॉग है, डॉग डी कहाँ पर है, स्मॉल लेटर। यहाँ पे मैंने साइड में बच्चों को पहचान करने के लिए, क्योंकि बच्चे कैपिटल लेटर्स को यहाँ पे अच्छे से पहचान चुके हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों लिख दिया है। कैपिटल को मैंने खुद लिख दिया है और डी बच्चों को लिखने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स को हम लिख देंगे डी। नेक्स्ट देखो ग्रेप्स, जी कहाँ पर है, जी हम देख लेंगे। उसके बाद जी है यहाँ पर, कैपिटल लेटर में बच्चा रीड कर लेगा, उसके बाद स्मॉल लेटर में लिख लेगा। नेक्स्ट देखो मैट, मैट एम फॉर मैट, एम कहाँ पर है, यहाँ पर एम है और यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में एम को हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज ओ फॉर ऑरेंज, यहाँ पे हम ओ को लिख लेंगे। नेक्स्ट है सन, सन एस फॉर सन, उसके बाद स्मॉल में एस को लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा तो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्हाट कम्स आफ्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है व्हाट कम्स आफ्टर। इस तरीके से हमने कैपिटल लेटर में भी करना है और स्मॉल लेटर में भी करना है। मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर में दे दिया है फर्स्ट। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट को एक बार, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, कौन कौन सा हमें किस किस तरीके से बच्चों को सिखाना है इसमें प्री नर्सरी में। आप ये नर्सरी, प्री नर्सरी सेम ही समझ लो, क्योंकि बच्चों को नर्सरी का जो भी टॉपिक होता है, सिलेबस होता है, वो प्री नर्सरी में घर पर ही सिखा दिया जाता है। तो देखो व्हाट कम्स आफ्टर, उसके बाद देखो ए है, यहाँ पे बच्चा बी लिख लेगा। अगर बच्चे को अभी तक लिखना स्मॉल लेटर में नहीं आया तो आप इसमें डॉट डॉट करके दे सकते हैं, जैसे डी है इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए। तो डी ई एम एन आई जे क्यू आर, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट कम्स बिफोर, अब बिफोर में देख लीजिए क्या क्या होगा। सेम इसी तरीके से हमें बिफोर का भी बच्चों को सिखाना है। अगर बच्चा बिफोर नहीं अभी कर पा रहा है तो आप बच्चों को ना स्टार्टिंग से बोलना सिखाएं। जैसे अगर टी से पहले बच्चा अंदाज़ा नहीं कर पा रहा है तो बच्चों को ए फोर एप्पल से पूरा ए बी सी डी इस तरीके से बोलना सिखाएं, तो बच्चा टी से इजीली कर पाएगा। क्योंकि हम लोग तो कर लेंगे बट बच्चों को इतनी जल्दी से ना पहले वाला बाद वाला बता देते हैं, बट पहले वाला जल्दी से नहीं बता सकते हैं। तो टी से पहले क्या आएगा, एस, एस से पहले आर, एन से पहले एम, डी से पहले, तो बच्चों जैसे डी से पहले है तो बच्चे ए बी सी डी करके बोलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सी। ओ, ओ से पहले एन, ठीक है, इस तरीके से स्मॉल पहले, स्मॉल वाले जो बिफोर में आने हैं वो हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, पिक्चर वाला, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आना ही है। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग, यानी कि एक तरफ मैंने पिक्चर्स दे दिए हैं और दूसरी तरफ मैंने स्मॉल लेटर्स लिख दिए हैं, तो हमें फर्स्ट लेटर को मैच करना है। ये एक डॉल है तो डी फोर डॉल, कहाँ है डी, यहाँ है डी, तो मैच कर देंगे। उसके बाद देखो बल्ब है तो बी फोर बल्ब, मैच कर देंगे। क्या है ये, पेन है तो पेन को हम पी से मैच कर देंगे। देन देखो यहाँ पर कैरेट है, सी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्समस ट्री है, उसको हम एक्स से मैच कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा ही, वो करना ही चाहेंगे इस तरीके से पिक्चर्स देख के। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच द लेटर कैपिटल टू स्मॉल। अब हमें यहाँ पे एक तरफ कैपिटल लेटर्स दे दिए हैं, एक तरफ स्मॉल लेटर्स दे दिए हैं, अब हमें मैच करना है। बच्चे बहुत इजीली मैच कर जाएंगे क्योंकि बुक से वो पढ़ना तो सीख ही गए हैं, लगभग लेटर्स को पहचानते हैं। लिखने में थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है बट प्रैक्टिस करते करते बच्चे बहुत ईजीली सीख जाते हैं सब कुछ। पेरेंट्स को स्टार्टिंग में लगता है कि थोड़ा हार्ड होगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे सब कुछ ईजी हो जाता है। तो कैपिटल लेटर्स से स्मॉल में ए को मिला देते हैं, बी कहाँ पर है, बी को मिला देते हैं, देन सी, इस तरीके से सी को मिला देंगे। उसके बाद डी, डी को मिलाएंगे, ई, इस तरीके से ई को मैच कर देंगे, एफ, एफ को ऐसे मैच कर देंगे। इस तरीके से ये मैचिंग क्वेश्चन दे देने हैं। तो इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चन और कर लिए सेकेंड पार्ट में। ये प्री नर्सरी के लिए सेकेंड पार्ट है इंग्लिश का, तो इसके बाद मैं और भी लाने की कोशिश करूंगी पार्ट जो भी है इसके।
तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्द ही इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं प्रैक्टिस के। तो ऐसी ही मज़ेदार वर्कशीट बच्चों को ज़रूर तैयार करवाइए और प्रैक्टिस करवाइए, फन वे से सिखाइए बच्चों को। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।